वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम। आओ कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम। आओ कुछ नया सीखें। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कंपटीशन से रिलेटेड वीडियोस की सीरीज शुरू की है, जिसमें मैंने प्रॉफिट एंड लॉस बताया था, पूरा एक्सप्लेन किया था। अगेन मैं अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके उन्हें एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो वंस अगेन हम एक बार प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूलेस देख लेते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे अप्लाई करने होंगे। तो प्रॉफिट क्या होता है? जब आप कोई चीज़ कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा में आप बेचते हो, तो वो होता है आपका प्रॉफिट, जिसे हम फायदा बोलते हैं, लाभ। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिस प्राइस पे, जिस दाम पे हम कोई चीज़ खरीदते हैं, वो होती है उसकी कॉस्ट प्राइस, लागत। फिर सेलिंग प्राइस, जिस दाम पे हमने खरीदा उससे, उसके बाद जिस दाम पे हमने उसे बेचा, सेल किया, जिस प्राइस पे हमने उसे सेल किया, वो होती है सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमें सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से माइनस करेंगे, तो हमें गेन या प्रॉफिट मिल जाएगा। और लॉस, प्रॉफिट तभी होगा जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगी। और अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है, तो हमें लॉस होगा। तो ये फॉर्मूला है, गेन या प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, गेन परसेंटेज निकालने का ये फॉर्मूला है। लॉस परसेंटेज का ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और गेन परसेंटेज दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस निकालना है अगर गेन परसेंटेज और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है तो सेलिंग प्राइस निकालना है, अगर लॉस परसेंटेज दिया हुआ है तो कॉस्ट प्राइस निकालना है, अगर गेन परसेंटेज दिया हुआ है तो, और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस निकालना है जब लॉस परसेंटेज और एसपी दिया हो तो। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ से 35%, देन से एसपी इज इक्वल टू 135% सीपी। अगर कोई जो प्रोडक्ट है, आर्टिकल, वो 35% के गेन पे सोल्ड होता है, तो इसका मतलब उसकी सीपी 135%, उसकी सेलिंग प्राइस 135% उसकी सीपी है। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट एन लॉस ऑफ से 35%, देन एस पी इज इक्वल टू 65% ऑफ सी पी। तो 100 माइनस 35 करेंगे तो 65, 100 प्लस गेन हुआ था तो 100 प्लस 35 किए तो 135 आया। तो कुछ और फॉर्मूलेज भी हैं। व्हेन अ पर्सन सेल्स टू सिमिलर आइटम्स, वन एट अ गेन ऑफ से एक्स परसेंटेज एंड द अदर एट द लॉस ऑफ एक्स परसेंटेज, देन द सेलर ऑलवेज इनकर्स अ लॉस गिवन बाय, तब लॉस परसेंटेज निकालना है। एक सेलर अगर सेम चीज को एक गेन कर रहा है कुछ परसेंटेज पे और कुछ पे लॉस कर रहा है, तो सेलर को लॉस होगा और उस लॉस परसेंटेज को निकालने का ये फॉर्मूला है। इफ अ सेलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस बट यूज फॉल्स वेट्स, देन गेन परसेंटेज निकालने का ये है। अगर एक सेलर अपने गुड्स को कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है लेकिन उस पर वो फॉल्स वेट यूज कर रहा है, मतलब गड़बड़ी कर रहा है घटतौल में, तब गेन परसेंटेज निकालने का ये फॉर्मूला है। तो मैंने बहुत सारे पहले के तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो प्रीवियस फॉर्मूले हैं उनके हिसाब से। अभी इधर पे
ये कुछ फॉर्मूले हैं इनसे रिलेटेड और कुछ न्यू क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अ ग्रोसर परचेस्ड 90 केजीज ऑफ शुगर एट रुपीज 14.50 पर केजी एंड मिक्सड विद 110 केजी शुगर एट रुपीज 15 पर केजी। At what rate should he sell the mixture to gain 15%? मतलब एक दुकानदार 90 किलो शक्कर खरीदता है किस रेट पे? 14.50 ₹14.50 पर केजी के हिसाब से। उसे वो 110 किलो शक्कर जो उसने ₹15 प्रति किलो के हिसाब से खरीदा था उसमें मिक्स कर देता है, और मिक्स करने के बाद मतलब अब ये मिक्सचर बन चुका है, ये दो 90 किलो और 110 किलो शक्कर का। एट व्हाट रेट शुड ही सेल द मिक्सचर टू गेन 15%? तो इस मिक्सचर को वो किस रेट पे मतलब किस दाम पे बेचेगा कि उसे 15% का प्रॉफिट हो? तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले कॉस्ट प्राइस निकालनी होगी दोनों टाइप की शुगर की। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 केजी ऑफ मिक्सचर मतलब दोनों टाइप की शुगर। 200 केजी कैसे आया? क्योंकि फर्स्ट शुगर थी 90 केजी और सेकेंड थी 110 केजी, दोनों मिला लिए तो 200 केजी। तो 90 किलो शक्कर उसने इस रेट पे खरीदी और 110 किलो शुगर उसने इस रेट पे खरीदी, तो टोटल कितना शक्कर की कीमत है? 2955। फिर SP, अब हमें कॉस्ट प्राइस मिल गया, तो अब हमें सेलिंग प्राइस, अभी हमें पता है कि हमें कितने परसेंटेज पे गेन होगा, कितना है हमारा गेन परसेंटेज? 15। तो हम अभी मैंने अपने फॉर्मूले में बताया था ना कि अगर 15% है तो प्लस 100 हो जाएगा 115, तो 115% ऑफ 2955 इस कॉस्ट प्राइस का 115% उसकी सेलिंग प्राइस होगी, क्योंकि हमें कितना 15% परसेंटेज गेन हो इस कॉस्ट प्राइस का, तो सेलिंग प्राइस निकालना है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस मैं आपको फॉर्मूला दिखाती हूँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो हमें गेन परसेंटेज दिया हुआ है, तो और हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड कर लिया था और गेन परसेंटेज दिया था, तो SP इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100 इंटू CP, ये फॉर्मूला लगाया तो हमें 3398.25 रुपीस सेलिंग प्राइस मिल गया। देयरफॉर रेट ऑफ SP ऑफ द मिक्सचर, तो ये तो हमें मिल गया सेलिंग प्राइस और ये मिल गया कॉस्ट प्राइस, लेकिन वो किस दर पे जैसे कितने रुपए प्रति किलो शक्कर बेचेगा तब उसे 15% का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ हमने सेलिंग प्राइस निकाल लिया और यहाँ पर हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो रेट ऑफ SP ऑफ द मिक्सचर, तो सेलिंग प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस निकाल लिया। अब इसको 200 किलो शुगर को उससे डिवाइड कर दिया तो कितना हुआ? 16.99 पर केजी, या फिर हम बोल सकते हैं 70 रुपीस पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्योर घी कॉस्ट रुपीज 100 पर केजी आफ्टर एडल्टरेटिंग इट विथ वेजिटेबल ऑयल कॉस्टिंग रुपीज 50 पर केजी, अ शॉपकीपर सेल्स द मिक्सचर एट द रेट ऑफ रुपीज 96 पर केजी, देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20%, इन व्हाट रेशियो डज ही मिक्स द टू? तो इसमें बता रहा है कि एक दुकानदार के पास प्योर घी है जिसकी कीमत ₹100 प्रति किलो है, उसने उस पे मिक्स किया वेजिटेबल मतलब वनस्पति
तेल जो होता है वो उसने मिक्स किया, जिसकी कीमत थी 50 पर केजी, मतलब 50 रुपये प्रति किलो का वो तेल उसने 100 रुपये प्रति किलो वाले घी में मिला दिया। और ए शॉप कीपर सेल द मिक्सचर एट द रेट ऑफ ₹96 पर केजी, और उस मिक्सचर को उसने ₹96 पर केजी के हिसाब से बेचा, देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20%, तो उसे 20% प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। तो इन व्हाट रेशियो डज ही मिक्स द टू, तो अब हमें बताना है कि वो किस रेशियो में इस इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेगा ताकि उसे 20% लाभ हो उस टोटल में। तो उसके पास 100 रुपये प्रति किलो वाला घी था और 50 रुपये प्रति किलो घी वाला वनस्पति ऑयल था, तो इन दोनों को किस रेशियो में मिक्स करे जिसे उसने 96 रुपीस पर केजी में बेचा तो उसे 20% का फायदा हुआ। तो उसके लिए ये है, यह मिक्सचर एक अलग चैप्टर है, उसका क्वेश्चन है, पर यह है प्रॉफिट लॉस, मतलब दो अलग अलग टॉपिक यहाँ पर मिक्स हुए हैं। एक तो मिक्सचर एंड एलिगेशन एंड नेक्स्ट हुआ है प्रॉफिट और लॉस। तो एलिगेशन मतलब होता है जब दो अलग अलग चीज़ें जिनके दाम अलग अलग होते हैं उनका मिक्सचर बनाया जाता है और एक अलग दाम पे बेच दिया जाता है, तो वो होता है एलिगेशन। जैसे यहाँ पे एलिगेशन हुआ है ना, दो अलग अलग दाम की चीज़ों को दो अलग 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 मिलाया गया और उसके बाद उसे अलग ही दाम पे बेच दिया गया, तो ये हुआ एलिगेशन। तो इसके लिए हमें मीन कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। तो ये फॉर्मूला से हमने निकाल लिया क्योंकि हमारा गेन परसेंटेज हमें पता था 20% है, तो मीन कॉस्ट प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस हमने निकाला तो ₹80 पर केजी आया। ठीक है, अब बाय द फॉर्मूला ऑफ एलिगेशन, तो बाय द रूल ऑफ एलिगेशन कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर क्वांटिटी ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर क्वांटिटी मीन प्राइस, तो उसमें हम क्या करते हैं, इसको मीन प्राइस से माइनस और इसको ये इसके सीपी से माइनस किया, तो इसको मीन प्राइस को इसके सीपी से माइनस किया तो 30 आया, फिर ये जो है इसके सीपी को मीन प्राइस से माइनस किया तो ये आया, तो रेशियो आया 30:20, 3:2। तो इसका ये पूरा क्लियर ये फॉर्मूला कैसे आता है ये आपको एलिगेशन और मिक्सचर के चैप्टर में मिल जाएगा इजिली, बस उसी फॉर्मूले में से पुट किया है बस, और आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड रेशियो मिल गया। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अ डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस अ वेट ऑफ 960 grams फॉर अ केजी वेट, फाइंड हिज गेन परसेंटेज। तो यहाँ पर एक बेईमान दुकानदार ने अपना सामान कॉस्ट प्राइस पे मतलब लागत दाम पे ही बेचा, पर उसने किलो के भार की जगह 960 ग्राम का भार लिया, मतलब एक किलो का वेट 1000 ग्राम का होता है, उसकी जगह उसने तौल में 960 ग्राम को एक किलो बना के तौला, तो फाइंड इज गेन परसेंट, तो उसे कितना फ़ायदा हुआ। अभी हमने जब फॉर्मूला बता रही थी तो उसमें मैंने ये फॉर्मूला ही बताया था, गेन परसेंटेज या लॉस परसेंटेज वहाँ पे था, तो ये इस फॉर्मूले में हमने यहाँ पे एरर, लॉस हुआ तो लॉस परसेंटेज लिखेंगे, लॉस लिखेंगे,
गेन हुआ तो गेन फाइंड करना है, तो एरर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100, तो इसका परसेंटेज आएगा। तो एरर मतलब हमें किस में देखना था, यहाँ ये ग्राम्स में दिया हुआ है, तो 1 kg, ये kg है तो kg को 1000 ग्राम में अगर कन्वर्ट करोगे तो 100 कितने का डिफरेंस था एरर का, तो 100 माइनस 960 40 ग्राम्स का डिफरेंस था जो उसने बेईमानी की 40 ग्राम की, तो यहाँ 40 और असली वैल्यू क्या थी 960 ग्राम, तो यहाँ लिख दिया। और माइनस एरर, एरर एरर और यहाँ पे इंटू 100 परसेंटेज, तो आंसर 1/6% आया। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट व्हाट परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट एन आर्टिकल बी मार्क्ड सो एज टू गेन 33% आफ्टर अलाउइंग ए कस्टमर अ डिस्काउंट ऑफ 5%। मतलब बोल रहा है कि एट व्हाट परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट बी एन आर्टिकल बी मार्क सो एज टू गेन 33%। एक आर्टिकल मतलब एक प्रोडक्ट जिस उस पर क्या प्राइस, सेलिंग प्राइस मार्क की जाए जो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो और 33% का गेन हमें मिले, कब, जब हमने कस्टमर को 5% का डिस्काउंट भी दिया हुआ हो। तो ऐसा क्या सेलिंग प्राइस उस प्रोडक्ट का रखें जो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो और हमें 33% का प्रॉफिट करवाता हो डिस्काउंट 5% का देने के बाद भी। तो चलिए देखते हैं, लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100, तो कॉस्ट प्राइस तो यहाँ दिया नहीं है, तो हम सपोज करते हैं कि कॉस्ट प्राइस है 100, देन SP ₹133, तो गेन है 33%। सेम फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस वाला फॉर्मूला लगाया तो 133 रुपीज़ 133 हो गया। लेट मार्क्ड प्राइस बी एक्स, तो लेट सेलिंग प्राइस मतलब जो वहाँ प्राइस मार्क की जाएगी उसे सपोज माना एक्स, देन 95% ऑफ एक्स, तो ये 95% ऑफ एक्स सेलिंग प्राइस का 95 कहाँ से आया, 100 माइनस ये जो 5% का डिस्काउंट दिए थे वो 5% डिस्काउंट दे दिया, देन 95% ऑफ एक्स बराबर कितना है सेलिंग प्राइस, इतना डिस्काउंट देने के बाद इतना सेलिंग प्राइस हुआ ना, तो 133, तो इसमें से एक्स की वैल्यू निकाल लिया 140 आया, तो मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू 40% अबव CP, मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू 40% अबव CP, तो ये इधर से प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस 100 हमने माना था सेलिंग प्राइस, तो हमें ये क्या मिला 140, तो 140 माइनस 100 40% अबव